दैनिक स्टेट समाचार से और मैं हूं जिला सांबा से सुरेश शर्मा। इस समय मैं मौजूद हूं जिले के सीमावर्ती गांव पखड़ी में और पखड़ी के नवनिर्मित नवदुर्गा मंदिर में सोमवार को मां दुर्गा सहित मां के अन्य जो नौ स्वरूप हैं उनकी मूर्तियों की जो स्थापना है वो पूरे विधिवत तरीके से की गई। इससे पहले हम आपको बता दें कि पहले नवरात्रे से जो नवदुर्गा मंदिर है वहाँ पर माँ की मूर्तियों की स्थापना के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम जो था वो चल रहा था और आज सोमवार को जो विधिवत तरीके से मंदिर जो है मंदिर में माता की मूर्तियों की जो है वह स्थापना की गई। सुबह पहले वहाँ पर गणेश पूजन हुआ और पूजा अर्चना के बाद मंदिर परिसर में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने हवन कुंड में पूर्ण आहुतियाँ डालकर सुख समृद्धि की कामना की व साथ ही माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके पश्चात मंदिर परिसर से कलश यात्रा निकाली गई जो पवित्र देवका में पहुंची और वहां पर जाकर जो उस दिन पहले दिन पहले नवरात्रे को जो कुंभ जो स्थापित किए गए थे उनका जल जो है वो पवित्र देवका में प्रवाहित किया गया और वहां से फिर जल का संग्रहण कर कलश यात्रा जो थी वो दोपहर बाद मंदिर परिसर में पहुँची और वहाँ पर जो पंडित विद्वान थे उन्होंने पूरे विधिवत तरीके से जो था वो मूर्तियों की स्थापना की। हम आपको बता दें कि नव दुर्गा मंदिर जो है वहाँ पर माँ दुर्गा सहित माँ के जो अन्य नौ स्वरूप हैं माताओं के उनकी मूर्तियों की स्थापना जो है
वो आज सोमवार को पूरे विधिवत तरीके से की गई। और हम इसके साथ ही हम बता दें कि पिछले 5 दिनों से मंदिर परिसर में दिन रात जो था वो धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था, और सुबह से शाम तक और रात देर तक भी माता के जयकारों से जो मंदिर परिसर जो था वो गूंजता रहता था, और गांव पखड़ी में माहौल जो था वो भक्तिमय बना हुआ था। और नवदुर्गा मंदिर जो है वो उसकी मूर्तियों की स्थापना की तैयारी पिछले काफ़ी दिनों से चल रही थी। जैसे ही पहला नवरात्रा हुआ और मूर्तियों की स्थापना के उपलक्ष्य में मंदिर परिसर में जो है वो धार्मिक अनुष्ठान जो था वो शुरू हुआ, और लगातार 5 दिनों तक धार्मिक जो पूजा पाठ है वो चलता रहा। सुबह आए द्वारा यहाँ पर वहाँ मंदिर के परिसर में पूजा अर्चना की गई, उसके बाद जो है हवन यज्ञ हुआ, उसमें श्रद्धालुओं ने पूर्ण आहुतियाँ डाली, उसके पश्चात कलश यात्रा निकाली गई, और विधिवत तरीके से पंडितों ने विद्वानों ने जो है मूर्तियों की जो माता की 9 स्वरूप है उनकी मूर्तियों की स्थापना की गई। और दोपहर बाद जब मूर्ति की स्थापना का कार्यक्रम जो था वो समाप्त हुआ, उसके बाद मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया। और हम आपको बता कि मंदिर नवरात्रों के पावन अवसर पर चारों तरफ जो है महामाई के जयकारों की जो है वो गूंज है, हर जगह पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, कहीं मूर्तियों की स्थापना की जा रही है, कहीं धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं। और चीची देवी मंदिर के भी हमने कल आपको सुनाया कि वहाँ भी श्रद्धालु जो है प्रतिदिन उमड़ रहे हैं, और धार्मिक कार्यक्रमों की जिला में जो है वो धूम मची हुई है। मुझे और मेरे सहयोगियों को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए दैनिक स्टेट समाचार। सूर्याय स्वाहा, श्रीं ह्रों सा सूर्याय स्वाहा, श्रीं श्रों सा चंद्रमसे स्वाहा, ओम श्रां श्रीं श्रों सा चंद्रमसे स्वाहा।